गुना जिले की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित किशनगढ़ के जंगलों में वृक्षों की अवैध कटाई जारी है। वन विभाग की साठगांठ के चलते यह अवैध कटाई चल रही है। आपको बता दें कि वृक्षों की अवैध कटाई लगातार जारी है, पर वन विभाग ने सोर कोई रुख नहीं लिया है। गुना से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बमोरी विधानसभा के अंतर्गत किशनगढ़ गांव के जंगल में सागौन के वृक्ष की सैकड़ों की संख्या में अवैध कटाई जारी है, पर बेजुबान वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध कटाई वन विभाग में लगातार जारी है और इन बेजुबान वृक्षों के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर इनकी संपत्ति जब्त की जाए। ये सिर्फ वृक्ष के हत्यारे नहीं है बल्कि ये पर्यावरण के भी हत्यारे हैं, ये मानव जीवन के हत्यारे हैं। ये बात समाजसेवी वृक्ष मित्र कवि अनिरुद्ध सिंह सिंगर ने देते हुए अवैध कटाई करने वालों पर तुरंत कार्यवाही की मांग की है। साथ ही वृक्ष मित्र जितेंद्र लववंशी ने वृक्षों की अवैध कटाई पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि वृक्ष हमें जीवन देते हैं, उनकी इस तरह से कटाई करना मानव जीवन के लिए काफी बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। सिंगर ने कहा कि बमोरी क्षेत्र के पूरे वन मंडल को वन उद्यान घोषित कर संरक्षित किया जाना चाहिए। अब देखना है कि इस संबंध में क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर इसी तरीके से जो पूरी कटाई है वो जारी रहेगी। किशनगढ़ के जंगल में सागौन के वृक्षों की जो अवैध कटाई हुई है भारी मात्रा में, मैं चाहता हूं शासन से कि वृक्षों के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इन निरीही वृक्षों की हत्या निर्ममता से हत्या की गई है। ये सारा जंगल साफ कर दिया गया है, सैकड़ों की तादाद में इन वृक्षों को काटा गया है। मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए।